कॉमेडी सर्कस। अर्चना जी आज कपल स्पेशल है, तो कैसा लगा ये नया कपल? चप्पल जैसा मुंह लेकर कपल की बात कर रहा है। चप्पल देखते ही फीता खुद बोल पड़ा, आके लग जा हमें कोई पांव डाल के ले जाएगा। शर्म नहीं आती इतनी सुंदर लड़की को गोबर बोल रहा है तू? ए, मैं तुझे बोल रहा हूँ गोबर। जो चीज खाते उसकी इंसल्ट नहीं करते टीवी पे। सिद्धू इधर उधर मत देखो, डिनर घर पे भिजवा दिया, वहाँ जाए खाना। तुम यार क्या फालतू इस बहस कर रहे हो, जो आदमी पागल है उससे क्या बहस? खबरदार मुझे पागल कहा। सुनो तुम मुझसे सीखो, एक साथ दो दो लड़कियों को संभाल रहा हूँ। अच्छा मूछों वाली कविता। भाई सिर्फ तू अकेला नहीं संभाल रहा है, मैं भी दो दो लड़कियों को संभाल रहा हूँ। ये कोई लड़की से कम है? जब देखो जब साड़ी पहन के ये सब क्या करता रहता है पता है? राखी वाले दिन अपनी बहन को राखी बांधने के बाद बोलता है, दीदी लाओ मुझे पैसा दो। ए झूठे, मैंने कभी ऐसे कहा नहीं, मैंने ऐसे कहा था पैसा मैं लूंगी। देखो भाई कपल की बात चल रही है और जोड़ी तो मेरी ही करिश्मा के साथ अच्छी लगती है। ये सही बोला करिश्मा, थोड़ा आगे आना, लग रहा है ना लड़की कचरा फेंकने जा रही। सच बताऊं जोड़ी मेरी और करिश्मा की अच्छी लगती। ओ भाई तू अपनी नाक की जोड़ी संभाल, ऐसा लगता है डस्टबिन की जोड़ी, एक गीला कचरा डालो इधर सूखा कचरा डालो। भाई जोड़ी तो मेरी जमती क्यों दीदी? मेरे को लग रहा है हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जोड़ी यहाँ पर अगर जमती है ना तो वो क्यों सुरेंद्र माजी राइट तबला लेफ्ट तबला इनकी बनती है नहीं? आपको क्या लगा मतलब मैं आपकी जोड़ी बनाऊंगा करिश्मा के साथ? स्माइल करो जरा। अर्चना जी आपको पता है लोग दो बच्चों में इतना गैप नहीं करते, इतने दांतों में किया है। एक मिनट दांत से याद है हमारे बीच में एक टूथपिक रहता है, वो देखो अभिलाष। और वैसे अर्चना जी अभिलाष और सना की जोड़ी सबसे अच्छी है, दोनों हमेशा इंग्लिश में बात करते रहते हैं, हालांकि बेटा हंसी फिर भी नहीं आती है। कॉमेडी सर्कस में सिर्फ एक ही जोड़ी अच्छी है, सुहेल भाई और अर्चना जी की जोड़ी। मैं बता रहा हूँ ये सबसे हिट जोड़ी है। क्यों सिद्धू? पागल खाने में इलाज करा अपना जाके। तुबीन, ये सबसे अच्छी जोड़ी तू मानता है ना? मैं मानता हूँ कि तेरा नाक के साथ ऑब्जर्वेशन भी खराब है। एक मिनट, ऑब्जर्वेशन नहीं तेरा दिमाग भी खराब है पागल कहीं के। और सुनो मैं ये सिग्नल की जोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मर यहाँ पे। करिश्मा तुम तो मानती हो कि ये जोड़ी सबसे अच्छी है? ए, चलना, सबसे अच्छी जोड़ी तो मेरी और सुहेल जी की है। क्या बताऊँ टीवी पे उसको जोड़ी नहीं बोलते। कोई माने ना माने सारा हिंदुस्तान मानता है कि ये जोड़ी सबसे अच्छी, जोरदार तालियां हो जाएं। सुहेल भाई आज मैं देवदास बनाऊं, और देवदास को प्रॉब्लम ये होगी कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में ना अंदर हो गया, और उसका ना जेल में मन लग गया, पारो उसको छुड़ाने आ रही लेकिन वो जाना नहीं चाहता। प्लीज वेलकम बलराज एज देवदास, दिव्यांश एज कमिश्नर और अदिति एज पारो। आमी तुम्हारे भालोभाषी। मम्मी देवदास बनाऊ, बंगाली में बात कर रहा हूँ। हाँ मम्मी कह रही सना इतनी भी सुंदर नहीं, उसके चक्कर में देवदास हो गया तू। मम्मी सना के चक्कर में नहीं, निकुल सर के चक्कर में। अरे अफेयर नहीं है यार, थीम रखा उन्होंने, क्या करती है तुम, कुछ भी बोलती हो यार। हाँ चलो ठीक है, हाँ बैठे हैं सुहेल भाई। मैं पूछ सुहेल भाई, मम्मी कह रही जुआना खुद नहीं आएगी, आप शूटिंग पे लाना भूल गए। जोआना से पूछ के बता दूंगा। अच्छा चलो अमी राक्षी, हाँ एक्ट शुरू होने वाले राक्षी। मम्मी कह रही बेटा कुछ भी करो अपनी औकात में रहना, इसलिए मैं पंजाबी में ही करूंगा सुहेल भाई। वैसे भी देवदास पंजाबी था आपको पता कैसे? आपने तीन तीन देवदास देखी है ना, बताओ मेरे को कभी देखा देवदास मछली मार्केट जाते हुए? पंजाबी में देवदास इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि प्रॉब्लम हो जानी थी, पंजाबी वाला देवदास पढ़ाई के लिए लंदन नहीं जाता, कनाडा जाता, जाके वापस नहीं आता। बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, कितना अच्छा डायलॉग है, पंजाबी में बनती है डायलॉग, बाबूजी बोल ही नहीं पाते क्योंकि बाबूजी ने खुद पी रखी होती है। अगर बाबूजी बोलते तो ज्यादा से ज्यादा ये बोलते,
बेटा शराब छोड़ दो मेरे लिए, मैंने भी चिकन खाना है। इसलिए नहीं बन पाई। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, माँ ने कहा शराब छोड़ दो। मुझे लगा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, मैंने एक दिन दोनों को छोड़ दिया। शेल भाई मेरी आधी रात को नींद खुली, माँ शराब लेके घूम रही, बाबूजी पारो को लेके घूम रहे। ऐसे शराब पीना बहुत बुरी चीज है। शराब पी के 5-5 दिखते हैं, पता है? मैंने कल शराब पी, मेरे को करिश्मा 5-5 दिख रही थी। मैंने 4 को फ्लाइंग किस की, कुछ नहीं बोली, 5वीं को करी उसने थप्पड़ मारा, मैंने कहा 5वीं नकली है भाई साहब, 5वीं वाली नकली है। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं शराब पीकर एक सच बोलना चाहता हूँ, मैं पारो से प्यार नहीं करता, मैं चारों से प्यार करता हूँ, अनीता सना और जसवी करिश्मा। मैं ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में इस जेल में आ गया सुहेल भाई, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा फैमिली होम है। कल एक हवलदार की ट्रांसफर हुई, यकीन मानो अपनी बहन की विदाई से ज्यादा रोया, मेरे को लगा कोई अपना दूर चला गया यार। ये तो थानेदार साहब नहीं, मैं इसलिए स्टैंड अप करना, वरना वो होते हम दोनों बैठ के 3 पत्ती खेलते हैं आपस में। पता नहीं थानेदार साहब कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। एक तो ना सुहेल भाई बच्चे का स्कूल और शूटिंग एक साथ हो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती, पता है? इधर घूमो। ये लो घूम गए। कैसी कास्टिंग की हुई है यार, आगे दाढ़ी पीछे छोटी, ऐसा लगता है आगे देवदास पीछे चंद्रमुखी। और ये हाथ में शराब की बोतल है तेरे, लीवर खराब हो जाएगा तेरा लीवर। थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। बोतल से शराब नहीं पीनी चाहिए। सुहेल भाई क्या है ना, मेरा लीवर भी मेरी तरह अनपढ़ी है, उसको लगता है स्ट्रॉ से पी रहा है तो नारियल पानी होगा। मेरी गुग्गी, मेरा छोटा भीम, मेरी गुग्गी। छोड़ तू, छोड़। मैं इंस्पेक्टर हूँ, तेरा बुआ का बेटा नहीं खेल रहा है मेरे साथ। गन किधर गई यार मेरी? सर ये मैंने संभाल के रखी, आपने कहा था ना आपसे गुंडे छीन के ले जाते हैं। अभी तेरे को गोली मारूं। चल क्यों नहीं रही अभी? वाह 18 साल की नहीं है, मैंने चाइल्ड लॉक लगा के रखा है। ये क्या बात है यार, फिर से हमारे हाइट की वजह से कोई सीरियसली नहीं लेता, यमराज बनो इंस्पेक्टर कोई सीरियसली नहीं लेता। रोते नहीं ओ ले ले ले। सर मैं आपको बता ए भाई साहब हेलो, और ये आपका लॉलीपॉप नहीं छोड़ो। मैं तुझे अभी जेल से बाहर निकालता अगर मेरे को रात को अकेले डर ना लगता था। भाई आपको पता है अंधेरे से इतना ज्यादा डरते ना ये कमिश्नर साहब, कल एक चोर का पीछा कर रहे थे वो अंधेरे में घुस गया, उसको कहते प्लीज लाइट ऑन कर दे, मम्मी कसम तेरे को नहीं पकड़ूंगा। सर जी खाना वाना कुछ है खिलाने का? अबे पकड़ तेरा खाना पकड़। मैं आज भी गिरा हुआ खाना नहीं खाता सर। पनीर है तो पहले बोलना चाहिए ना, पनीर है। इतनी सख्त रोटी, सर जी मुलायम रोटी बनवाया करो, आपको पता कल जो 4 कैदी भागे ना इसी रोटी से सलाखें काटी थी उन्होंने। बेल भाई इतनी सख्त रोटी है, देखो आप तो इसके कोर से गिटार भी बजा सकते हो। ढंग का खाना खिलाया करो हवलदार साहब। हवलदार नहीं हूँ मैं, कमिश्नर हूँ कमिश्नर। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, लेट उसने भी आना है, लेट आपने भी आना है। अबे इधर इश मत कर। क्यों? क्योंकि थानेदार साहब ने डायपर नहीं पहना ना, इश करोगे तो सुस आ जाएगी। देव बाबू मैं ना आपसे नाराज हूँ, मैंने आपको हर जगह ढूंढा जहाँ आप शराब पी के गिर सकते थे, नालों में गटरों में हर जगह। इनफैक्ट मैंने शहर के हर एक कुत्ते से जाके पूछा कि किसी ने मेरे देव को चाटा है क्या। क्या बोला कुत्ते ने के दमाद जी नहीं आए यहाँ पे? क्या करने आई यहाँ पे? मैं आपकी जमानत करवाने आई हूँ देव बाबू। डंडा साहब इन्हें रिहा करवा दो ना। डंडा साहब नहीं इंस्पेक्टर साहब हूँ मैं। वो तो पता है, वो मेरी मम्मी कहती है कि पहले ना बड़ों से बात करनी चाहिए, और आप दोनों में बड़ा डंडा ही लग रहा है। ये
आ गई यार कंफ्यूज करने वाली औरत, एक सफेद साड़ी पहनी ऊपर से सिंदूर भी लगाया है, समझ नहीं आ रहा अफसोस करूं या छेड़ूं। अबे ओए दंगे के पत्थर, तेरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? मेरी पारो आई है, क्या करने आई यहाँ पे पारो? मेरी जमानत कराने आई लालची औरत? सुहेल भाई इतनी लालची औरत है ना, इसने किसी फिल्म में देख लिया कि लड़के को ना दहेज में पैसे मिलते हैं, तब से अपने घर में सबका जेंडर चेंज करवा रही। इसके घर में माँ बाप नहीं है, बाप बाप हैं। इसके घर में चाचा चाची नहीं है, चाचा चाचा है। देव बाबू आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है आपने फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लिया। अरे क्या है, मैं पुलिस हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। पुलिस है, छलांगे बंदर वाली लगा रहा है तू। फूंक मार इसमें, चल और मार। वाह ये रहा मेरा पार्टी का गुब्बारा, बर्थडे पार्टी का गुब्बारा। तुम्हें पता है 11 साल से बर्थडे नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि हुई 10 साल का। अरे घर चलिए देव बाबू, आप क्यों अपनी लाइफ यहाँ बर्बाद कर रहे हैं जेल में? जेल भाई बड़े फायदे जेल में रहने के, आप खुद सोचो संजू बाबा अगर जेल जाते रणबीर को हिट फिल्म कहाँ से मिलती? बड़े फायदे जेल में रहने के, तुझे पता बाहर कितनी महंगाई हो गई है पारो, इतना रेंट बढ़ गया ना बाहर सिद्धू, इतना रेंट बढ़ गया, लोग जानबूझ के पागल बन के फ्री में रिहैब चले जाते हैं। देव बाबू अगर आप जेल से बाहर नहीं आए ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। आरो ये छोड़ने की बातें मेरे साथ मत कर, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, फिर मैंने एक दिन बाबूजी को छत से छोड़ दिया। मैंने कहा एक आदमी के जाने से इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, जाने दो उसको। इंस्पेक्टर साहब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव में एक साथ थोड़ी ना अंदर करता है, भेजो ना इसे बाहर। ओ पारो बहन जी गाड़ी ना तीसरे गियर पे चलाई जाती है, तीसरे फ्लोर पे नहीं चलाई जाती, मॉल में गाड़ी लेकर घुस गया था। मैंने ना तेरे यहाँ पर दो छेद करके तेरी हथकड़ी बना देनी, समझा? हम दोनों के बीच में बोलना नहीं, ठीक है? साइड पे हो जा फटाफट। सही है, वैसे भी कानून के तेरे हाथ लंबे होते हैं, लाइनें छोटी होती हैं। अब हमारे बीच में नहीं बोलना, मैं पिक्चर ही देख लेता हूँ इससे अच्छा। देव बाबू आप आइए ना, हम ना बैठ के बातें करते हैं, आओ बैठ। ठीक है पारो बैठ के बात कर लेते हैं। जब तक बैठने को ना बोला जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्या डायलॉग बोला है अमित जी ने, वाह वाह। देव बाबू आप घर चलिए। पारो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगी तू? हम तुम्हें इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और आधे कहां से। सलमान जी ने क्या डायलॉग बोला, वाह मजा। मेरे को लगा हमको बोल रहा है, वो फिल्म देख रहा है। पारो चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं चंद्रमुखी से प्यार करता हूँ। तुम चंद्रमुखी के पास जाकर क्या करते हो? मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती। वाह तीनों मस्त फिल्म थी। सर जी एक और मस्त फिल्म आ रही है, सूबेदार की मौत। सस्पेंस फिल्म है ना? नहीं सस्पेंस नहीं, ऑडियंस के सामने होगी यहाँ पे। अभी यार चुपचाप बैठना यहाँ पे, समझे? पारो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, यू गो टू हेल पारो। नो आई विल नॉट गो टू हेल। अगर तुम जेल से बाहर नहीं आओगे तो मैं क्राइम करके जेल के अंदर चली जाऊंगी। ए छोटू पानी ला, ला पानी। पानी है नहीं, दारू पी लो। चाइल्ड लेबर तो करा ही लिया ना, 3 महीने की सजा। ये ले। सर बच्चे पे हाथ उठाया, 6 महीने की सजा। सर जी बच्चा ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर भी था। और यहाँ अब तो 1.5 साल की सजा। चल बे, हाँ हाँ जा रही हूँ, चल 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 बे तू। दे बापू अब तो मैं अंदर आ गई, आप भी आ जाओ ना। पारो मेरी तो जमानत हो गई है। oh, no. पारो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। आज हम सबको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कपल थी मैं और उसके बहाने सुहेल भाई मुबीन से उसका रियल लाइफ का काम करवा रहे हैं, पता है? सच बता रहा हूँ।
इससे रियल लाइफ में काम करवा रहे हैं। मुबीन को फिर से अपना पुराना काम मिल गया है। अच्छा तो वॉशरूम में काम मिल गया। सुनो ठीक से फ्लश जरूर करना है, ठीक है? अरे पगली, वो उसके चाचा का काम था, उसको कुछ बड़ा करना था, उसे इस शौच से आगे बढ़ना था। उसे फिर क्या, उसको बूट पॉलिश करने का काम मिल गया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के जूते पॉलिश करके बड़े पैसे कमाए इसने। अच्छा। लेकिन आज यहाँ पर देखेंगे ये किसके जूते पॉलिश कर रहा है। सो प्लीज वेलकम मुबीन एज बूट पॉलिश वाला, सिद्धार्थ एज बॉयफ्रेंड एंड करिश्मा सबकी गर्लफ्रेंड। जोरदार तालियां। खबरदार जो किसी ने मुझ पर तरस खाया तो। पॉलिश 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 पॉलिश। इधर एक पॉलिश लड़की बैठी थी, कहाँ गई? वैसे अच्छा जी, पहचाना मुझे? मैं दुनिया का ऐसा आदमी हूँ जो किसी के फटे में हाथ डालता हूँ ना तो उसको मजा आ जाता है, क्योंकि मैं जूते सिलता हूँ। अच्छा। हाँ पॉलिश भी करता हूँ। बड़े बड़े लोग आते मेरे पास पॉलिश करवाने के लिए, भाई साहब पॉलिश करवा लो, पॉलिश पॉलिश पॉलिश, जूता सिलवा लो। भाई साहब कितना फटा हुआ जूता, देखो अंगूठे के साथ उंगली भी बाहर आ गई आपकी। अच्छा चप्पल पहनी। लेकिन भाई साहब आपका पैर आपके मुँह से कितना मिलता, जुड़वाए दोनों। लेकिन सच्ची बताऊं सोहेल भाई, ये बैनिस्टर में पॉलिश करता हूं मैं, और मैंने इस लाइन में बहुत पैसा कमाया, क्योंकि मैं हरकतें ऐसी करता हूं कि सामने वाला मुझे जूता फटे तक मारता है। फिर जब जूता फटता मेरी वजह से, सिलता भी मैं ही हूं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मेरे पास आते हैं जूता सिलवाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले जीतू जी आए थे, मुझे कहते तागी 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 तागी, मेरे जूते पे पॉलिश कर दो ताकी। मैंने कहा भाई साहब सुनो, आप हीरो हो गए अपने घर पे, जूता सही जगह रखो ताकि मैं पॉलिश कर सकूं। भाई फिर उन्होंने सही जगह जूता रखा, आज भी यहाँ पे निशान है। और ये तो कुछ नहीं, बहुत बड़े कॉमेडियन, वो अननोन कॉमेडियन की दुनिया के बेताज बादशाह बलराज सहल भी एक बार मेरे पास आए थे। मेरे पास आए, मैंने उनका जूता पॉलिश किया, पता नहीं कि उन्होंने बहुत मारा। मैंने बोला भाई साहब क्यों मारा आपने? तो कहते हैं साले तुझे जूते में और मुंह में फर्क नजर नहीं आता, पूरा मुंह पॉलिश कर दिया मेरा। एक बार राजीव देवगन साहब मेरे पास आ गए, मुझे कहते आते ही अबे तो अपने लिए लूटा गैरो में कहा जब था। नहीं वो जूता पॉलिश करवाने नहीं आए थे, वो खाली बताने आए थे ऐसे मिमिक्री क्या कर मेरी। मतलब पूरा बॉलीवुड आ गया लेकिन वरुण धवन आज तक नहीं आए, पता है क्यों? मुझे उनकी मिमिक्री नहीं आती। ये देखो कैसी कैसी हरकतें करते, पत्थर तक काले पड़ गए यहाँ पे। सोहेल भाई कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? ये लो मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने बालकनी इसीलिए बनवाई कि सब देख सकते हैं। फिर एक काम करता हूँ, मैं छुप जाता हूँ, कोई आएगा फिर हमला करूंगा। ए सुनने, जल्दी से वो काम करते जो हम इधर करने आए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब किताब करते हैं। देख ऑटो से आई 22 रुपए तेरा हुआ ना, तो 11 मेरे को देने का। अभिलाष आज से मैं तेरी गर्लफ्रेंड। अरे मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं, इसने मेरे से ब्रेकअप किया, मुझे खुशी इस बात की इसने इससे ब्रेकअप किया। इतना कमजोर आदमी है ना, एक बार सुसु जाता 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है इसको। अरे सुन हेलो। हाँ बोलना। सुन जल्दी से वो काम करते, इससे पहले पुलिस है। अरे तुम पुलिस से इतना क्यों डरते हो? पुलिस से अरे मारा मारी में ऐसा फंसाने में कोई जो तुम मारा मारी भी करते हो? नहीं मारा मारी किसी और ने किया था, मैं बीच में फंस गया। उसके बाद जो मेरा ढोकला ने फाफड़ा फाड़े ने ये क्या मेरे हाथ में थैला था वो फाड़े ने ये बात कर। और उसके बाद पुलिस अलग से मारती, सोहेल भाई मैं ऐसे अंदर गया, मेरे को ऐसे पजामे में से नाला खींच लिया, ऊपर से इधर पट्टा मार रहे, अब मैं इज्जत बचाऊं कि चोट बचाऊं? बहुत गलत। मैं भी छोड़ो ना, कुछ प्यार की बातें करते हैं। ठीक है फिर 11 रुपए देने। क्या ये कौन सी प्यार की बातें? ये गुजराती का पहला प्यार उसका पैसा होता है। देखो ये बता, तुम मेरे से कितना प्यार करती हो गजोड़ा? जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। अच्छा मेरे को धोखा दे रही तू भी? क्या सोहेल भाई मेरे को ना भरोसा नहीं औरत पे, मेरे को तो फोन वाली लड़की भी कहती है ना ठीक लेफ्ट, मैं सर फोड़वाता हूँ लेकिन राइट जाता हूँ। मैं नहीं मानता। चलना सुनना प्यार करती है ना थोड़ा, छोड़ना छोड़ना, इधर बैठना बैठने बैठने। अरे ये तो आदत है मेरा, तू उधर ही बैठ। अच्छा सुनो ने,
मैं तेरे को अपने घर भी नहीं लेके जाऊंगा कभी, मालूम है? ए तेरे, मुझे ना तेरे घर जाना भी नहीं है। अर्चना जी, मैं इसके पापा से मिलने गई, कहते तुम इस घर की बहू बन ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारी पसंद ये है। तो मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती की? इन्हीं माँ ने छोड़ा ना, दादी को गाली जा रही थी। सुनने प्यार करते ना, मेरी बात तो सुन, प्यार करते ना, काली पहाड़ी ये पुलिस पुलिस सुन के जिस तरह से भागे, मुझे समझ में आ गया समंदर की ठंडी ठंडी हवा खाने नहीं बल्कि गरम गरम भपका छोड़ने आए तुम लोग। पॉलिश करवा लेने, साफ करवा लो ना। अकेले बैठने देना भाई मेरे को, अकेले बैठना, चलो अपन चलते हैं। ए गधेड़ा सुनना, हम दोनों को साथ में अकेले बैठने देने। अरे तो मैं बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा यार, बाइक थोड़ी जो ट्रिपलिंग का चालान बन जाएगा। देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी पीछे पार्क में डंडे खा के आया ना, फिर पुलिस को बोला रे पागल है भाई, जाने जाने। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, सुनो ना, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो ना। बॉडीगार्ड को बुलाओ मैं अपने। नहीं नहीं, मेरे पास 500 है, दो ही टिकट आएंगे, बॉडीगार्ड कहाँ बैठेगा? ए जाने भाई, क्यों बोर कर रहे जाने। अरे साहब पॉलिश करवा लो साहब, बहुत गरीब आदमी। नहीं करवाना यार, पॉलिश नहीं करवाना। अच्छा तो ये पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न। ये तो कच्चे है। तो आप इतनी हॉट है, हाथ में रखो ऐसे फूटेगा। ये बात ठीक है, तेरे से पंच फूटे ना फूटे कुछ तो फूटे। देखो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम यहाँ पर वो करने आए। वो करने आए? वो क्या? अरे जो एक लड़का और लड़की करते हैं। अच्छा राखी बनवाने आई है। साले राखी ऐसी कौन बांधता है। अच्छा एक और हिंट देती हूँ, जो पति पत्नी करते हैं। अच्छा इधर झगड़ा करने आए हैं तुम लोग। भाई तेरे को एक बात बोलूं, तो गैस से भी गंदा गैस करता है। यार हम रोमांस करने आए यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, अभी ना 10 दिन तक आप यहाँ रोमांस नहीं कर सकते। क्यों? क्या यार, मेरी बीवी मायके गई है, फिर क्या होता है कि आप लोगों का रोमांस देख के फिर मेरा तो मूड खराब होता है ना। ए, निकल। एक ही शर्त पे जाऊंगा, नहीं तो मैं आपका रोमांस खराब कर दूंगा। क्या? मुझे 500 रुपए दो। तेरे को 500 देने? अबे सुन, तू 250 मेरे को दे, मैं जाता हूँ। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? मुनाफा देख बेबी, मुनाफा। जाओ मैं, ठीक है मैं इसके साथ जा रहा हूँ। चलो गोजोड़ा गांडी, इधर आ। ऐसे बात का बुरा मानती पागल है तुमने? हाँ बुरा नहीं मानना, चले क्या गंदा स्टेप करते हैं। ए गंदा स्टेप नहीं होता, डांस स्टेप होता है। तेरे पे भरोसा, तू जो करेगी गंदा करेगी ना। अरे मैडम क्या डांस किया, आप तो गिर गई। मैं तो खड़ी हूँ। नहीं मेरी नजरों में गिर गई। ए भाई जाने यार, तू क्यों इरिटेट कर रहा है भाई? अरे साहब कुछ तो करवा लो साहब, गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी साहब। क्या है तेरे पास? ये पॉलिश करवा लो, पॉलिश करवा लो। नहीं नहीं मेरे को कराना नहीं। अच्छा मैडम आपकी सैंडल टूटने वाली थी, आप सैंडल ठीक करवा लो। बेबी ये तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है, तुम चुपचाप खड़े हो। ए गांडा, मेरा सामने मेरे गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करता है ना? खबरदार मेरा सामने बेइज्जती नहीं करना, अभी कर। तुम मुड़ क्यों गए? अरे देख नहीं उसके हाथ में हथौड़ा, ऐसे नाक पे मारेगा, बलराज जैसी शक्ल, डेट करेगी मेरे को? छी, नहीं मैं संभालती हूँ। हाँ ये संभालेगी, जिससे कुछ नहीं संभालता वो संभालेगी। जाओ ना यार। अच्छा सैंडल तो सिलवा लो मैडम। तुम कितना लोगे बताओ? मैं 150 रुपए लूंगा। 150 रुपए? ए पागल 150 रुपए इतना महंगा? मैं अपने चाचा का एस्टमा का पंप ले आऊं, ऐसा मुंह से मुंह हवा तो नहीं देना पड़ेगा ना मेरे को? जाने भाई जाने। अरे यार मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ यार। अरे भाई तुम इतना खुददार आदमी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं ना? खुददार है तुम, अच्छी सड़क देख के भीख मांगो ने? नहीं, नहीं, मैं आदमी देख के भीख मांगता हूँ। जो आदमी खुद इंटरव्यू में रो रहा है मेरी गाड़ी छीन ली, मेरा घर छीन लिया, उससे क्या भीख मांगूंगा मैं? देखो इसके बारे में बकवास मत करो, बहुत पैसा है अंबानी के पास। इतना पैसा है तो साहब थोड़ा बहुत दे देना, बहुत गरीब आदमी हूँ, पता है इतना गरीब आदमी हूँ मैं, इतना गरीब आदमी हूँ। कॉमेडी सर्कस में जितने गरीबी के पंच मारे जाते हैं ना, मुझ पे ही मारे जाते हैं। मान लीजिए मेरी ही जिंदगी है, मेरी ही जिंदगी है। अरे मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ है। हाँ वो जिंदगी। अरे साहब कुछ तो करवा लो यार। अरे यार प्लीज प्लीज फोटो खींचेगा हमारे? अच्छा फोटो खींच लो, चलो फोटो खींच, फोटो खींच लो। कितने फोटो के कितने लोगे? ये तो आपकी मुद्राओं पर डिपेंड करता है। ए, ए, तेरी माँ ने फाफड़ो हट। देखो बकवास मत करो, जाओ यार प्लीज। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, आप क्या ख्याल है? ए भाई तू खाली ये क्यों ऐसा, अमरूद देना, खरीदूंगा क्या मैं तेरे काट के देने? अरे भाई सुन मेरी बात, मैं खाली चाकू खाता हूँ ना, मेरे को एसिडिटी होता है। और बेबी तुम जल्दी से, तुम्हारे पास जो भी है उसको दे दो, नहीं तो गोली मार देगा। ये देखो गोली मार देगा, कम से कम प्रॉप देख के तो लाइन में चेंज कर लिया कर।
फटाफट निकाल जो भी तेरा। जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी दे दो। ओए 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 निकाल फटाफट, मैं कहता हूँ फटाफट निकाल दे जो भी तेरे पास है। ओए ओए अगर तूने नहीं निकाला तो मैं तेरी गप गप मारूंगा। निकल आएगा छोड़ेगा क्या? ये मिमिक्री कर रहे थे। अरे इतनी मिमिक्री तो मैं सुबह सुबह निकाल देता हूँ। फटाफट निकालो मैं तो कहता हूँ। ओए ओए अरे भाई निकालना पड़ेगा तुम्हें, निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल भाई, मैं गुजराती है, मैं जो निकालता हूँ लेना। मैंने कहा माल निकाल, जो कुछ भी फटाफट मेरे हवाले कर दे। हाँ मैं दे। हवाले कर। लो भाई, पर जान जान जाने का किराया तो दो ना भाई, इधर कैसे खड़ा रहो। निकल इधर। चल। अरे अब। चला गया। ओह क्या मुर्गा फंसाया है जानी मन तुमने, देखे तो क्या हाथ लगाए। ये क्या है? अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे राज किसी को ना बताऊं तो बैग में 5,000 डालकर टप्पू के पापा के पास पहुंचा देना। ओह माय गॉड, आज पता चला कि बच्चन साहब क्यों कहते हैं कुछ दिन तो गुजारियो गुजरात में। थैंक यू। अभी पता चला है कि गौरव बादशाह बनकर आ रहा है यार। इसको नौकर जैसे मुंह वाले पार्टनर क्या मिल गए तो बार बार बादशाह बनके आ जाता है। मुझे तो लगता है ये बंदा हिस्ट्री की बुक में अपना एक अलग से चैप्टर बनवाना चाहता है। ये आदमी जितनी बार बादशाह बना है ना, अब तो एग्जाम में बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि बादशाह कहाँ रहता है, बच्चे लिख देते मीरा रोड। तो आइए देखते हैं शाहजहां इस बार अपने ताजमहल में क्या नया कर रहा है। प्लीज वेलकम गौरव एज शाहजहां, सना एज गर्लफ्रेंड एंड अभिलाष एज बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड। सब लुट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसी फरियाद लेके लोग हमारे पास आया करते हैं और हम आपकी तरह उनकी मदद करने के बजाय उन पे हंसते हैं। एम्प्लॉई क्या मजबूरी है। वैसे हम आपको बता दें, हम हैं शाहजहां, ये ताजमहल देख रहे हैं, कितना खर्चा किया है हमने अपनी मुमताज के लिए। सुहेल भाई सच्ची में बहुत खर्चा हुआ, कितनी मेहनत से बनाया है। उधर कहाँ देख रहे हैं, ये देखिए मैं टैटू की बात कर रहा हूँ। कितनी प्रॉब्लम होती है अपने ही दांत से टैटू बनाओ तो। और कैसे कैसे लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। एक तो मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ ताजमहल की चुन्नी पकड़ के फोटो खिंचवाने की। अबे सालो करोड़ों का ताजमहल है ये, तेरे बच्चे का डायपर नहीं जो ऐसे पकड़ते हो। कैसी जूते की आवाज आ रही है, जूते में इंसान भी हो सकता है। मैं छुप जाता हूँ। अर्चना जी आज अमावस की रात है, आज मुझे आजादी मिली है, लेकिन रात को कौन आ गया ताजमहल देखने के लिए? ये अमावस की रात में ताजमहल कौन लेके आता है? अरे इतना अंधेरा है तभी तो लाया हूँ, न बिरला न टाटा, हो रहा गजब का सन्नाटा। हाँ कितना सन्नाटा है यहाँ पे ना। तेरी एंट्री पे यूजुअली ऐसा ही होता है। चुप कर, अभी लाफ्टर आएगा देख। न शहर में न गांव में, अंधेरे में आ जाओ हमारी बाहों में। देखो ना शाहजहां ने अपनी प्यार की निशानी बनाई है, और तुमने तुमने कभी कुछ किया है मेरे लिए? अरे इस पे सारी रिसर्च किया है, इसने सिर्फ अपने बाप का पैसा खर्च किया है। तो बेबी तुम भी करो ना थोड़ा पैसा खर्च। आप पापा की एक साल की कमाई से टॉर्च खरीद के ला रहा हूँ। अच्छा चलो, हम ना यहाँ अपनी प्यार की निशानी छोड़ के जाते हैं। खबरदार तूने पान खा के यहाँ थूका तो देख लीजो। हाँ मैं कह रही हूँ दीवार पे अपना नाम लिख के जाते हैं। चलो हाँ यूं कह रही है। सना एंड पृथ्वीजीत। किसकी इतनी हिम्मत हुई नो स्मोकिंग जोन में बीड़ी लेके आने की? ये मेरी गर्लफ्रेंड है कहना दीजो ऐसे बीड़ी। अबे तेरी बात कौन कर रहा है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मैं बीड़ी क्यों लेके आई। अगर ये मुमताज होती तो हम इससे भी महंगी ताजमहल बनवाते। ये देख लो दुनिया छोड़ दिया लेकिन लंबी लंबी छोड़ना नहीं छोड़ा इसने है, ताजमहल बनवाते। अच्छा सुनिए ना, ये ताजमहल आपका है
ये ताजमहल हुआ करता था, लेकिन अब तो लवर पॉइंट बन के रह गया है। लवर्स पॉइंट? हाँ, जब हमारा था तो हम और मुमू कवर करके प्यार करते थे। मुमू? लेकिन जब से तुम लोग आए हो तब से कवर पॉइंट लवर पॉइंट बन गया है। निकल बाहर, भाग। ए, भाग भाग क्या कर रहा है? हमने भैया क्या बैंक से लोन लिया हुआ है कि हम देश छोड़ के भाग जाए हैं? प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये ना यहाँ गलती से आ गया है। तुम्हें अब पता चल रहा है? उनसे पूछो पिछले 15 एपिसोड से। ये यहाँ पे गलती से ही आया है। ऐसा है, पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है मेरे अंदर। अच्छा, आ जाली को आ कहते हैं, बोझे को राख कहते हैं, और ये जहाँ पे काम मांगने जाते हैं इसे सब चल भाग कहते हैं। कात्या, ये मजदूर का हाथ है कात्या। एक मिनट, मिमिक्री में उंगली नहीं, हमने अपना पर्सनल मिमिक्री में लकड़बग्घा रखा हुआ है मुबीन सौदागर। अच्छा इसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं क्या करूं? तुम वो करो जिसका पब्लिक को इंतजार होता है। क्या? डांस? नहीं, एग्जिट। Shut up. अच्छा अच्छा, नाराज मत होइए। एक्चुअली ना मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ताजमहल जिन लोगों ने बनाया था, आपने क्या सच में उनके हाथ काट दिए? झूठ है ये, हम तो उनकी गर्दन काटने गए थे, उन्होंने हाथ आगे कर दिया, हम क्या करें। उनके हाथ कटने में उन्हीं का हाथ है। ये सब झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल भिखारी आदमी है जी, जिन्होंने मजदूरों ने काम किया था उसे पैसे तक ना दिए इसने। ऐसा नहीं है, हमने सबके सामने खजाना खोल के रख दिया लेकिन किसी ने एक रुपया नहीं उठाया, सब अकड़ में खड़े थे। नहीं नहीं नहीं, ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई साहब ये क्या बात हुई? नहीं, जब पंच तू अपने पास रखेगा मुझे लाइन नहीं देगा तो यूं ही बोल के खराब करूंगा। देख, आप बताइए जब आपके पास इतनी सारी बीवियां थी तो फिर आपने सिर्फ मुमताज के लिए ही क्यों ताजमहल बनाया? क्योंकि मुम्मू के अलावा किसी भी बीवियों में इतनी ताकत नहीं थी जो हमारे गर्दन में पैर रख के डिमांड करे। तुम्हें क्या लगता है हमारी आवाज ऐसे हुई है? अरे उसके घुटने पड़े तब ऐसी आवाज निकली है, वरना हम तो पहले ऐसे बोलते थे। और अर्चना जी कैसे अपनी समझी? ये तो वही बात हो गई ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये क्या बात हुई? जब पंच जब तक नहीं देगा तब तक क्यों ही कहूंगा मैं यार, तू कर ले। मतलब पूरे सीजन तू ऐसा ही बोलता रहेगा? ओके शट अप। आप बताइए ये हाथी आपका है? हाँ, इस पे हमने पत्थर लदवा के लाया था, ये सैलरी के लिए खड़ा हुआ है। मतलब तब से यूं ही खड़ा हो रखा है ये? तो क्या तेरे लिए भंगड़ा करे? अबे सूखे गन्ने, बकवास नहीं करना, इसके मुंह में दे दूंगा मैं। तू मुझे इसके मुंह में दे देगा तो मुझे ही पता है बाहर कहां से आना है। अरे वहां कहां देख रहा है, दरवाजे की बात कर रहा हूं। और एक बात और आप लोगों को, खबरदार जो हाथी के बारे में कुछ कहा तो इसी हाथी पे मैं और मुमू बैठ के मॉर्निंग में हम मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। इस पे बैठकर? हां सच्ची में, दिखता नहीं है तभी तो पेट बाहर है, हाथी के हम तो भैया फिट है। लेकिन आपने मुमू को देखा कहाँ पहली बार? बेड पे। क्या? अरे हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी, हमने उसको पहली नजर में देख के बोल दिया वाह, फटाफट इसके लिए ताजमहल बनवाया जाए। भैया उसके फटाफट में भी 22 साल लग गए यार, बताओ। ऐसा नहीं है, बंद तो वो 2 साल में गया था, 20 साल मुहूर्त निकलवाने में लग गए। ओ नो, तो फिर आपने 20 साल बर्बाद कर दिए। वाह, 20 साल बर्बाद कर दिए, बोल कौन रहा है, कुछ कुछ होता के बाद 20 साल खुद बर्बाद किया तूने। आप क्या हंस रही है, आपको ही बोल रहा था मैं। ये तो बिचारी कुछ कुछ होता के पार्टी में काजोल से कोहनी खा रही थी। अब ऐसा है, आप मेरे तक कोहनी खाओगे? अरे इसके तो बेटे ने इसे बंदी बना दिया था यार। हाँ ये बात सही है, कितना मुश्किल होता एक बंदे को बंदी बनाना, आपको पता है? 9 साल बंदी, पूरे 9 साल बंदी बन के घूमी थी मैं। अच्छा सुनो, जिनके साथ पक्का रिश्ता था मुमू बेबी आपकी, एक मुमू बेबी की फोटो तो दिखा दो यार। अरे फोटो गई तेल लेने, हम आपको डायरेक्ट मुमू जी के दर्शन करवाते हैं। है? वो देखिए वहां का देख रहा भाई, ये वाला हाथ देख, देखो कौन है।
ये मम्मू है। हम तुम्हें यहाँ जानबूझ के लेके आए हैं, क्योंकि हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ताजमहल मेरा हो जाएगा। हाँ, ताजमहल तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद तैयार हो जा। हाय। ओह नो। निकलती नहीं है। हम तो मस्ती कर रहे थे, ये प्रैंक था, इसे उठाओ। अरे अरे भाई साहब, ए भाई साहब, हेलो भैया, हम लोग जानबूझ के, हम रिपोर्टर लोग कैमरा लगाए थे भाई साहब। हेलो, एक मिनट अर्चना जी, हम लोग रिपोर्टर लोग हैं, ये कैमरा लगाया था, प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक। सर ये देखो ना, आपकी वीडियो भी आई है। हाँ। ये देखो, ये जय मैं खड़ा रहा। हाँ। ये खड़ी रही। हाँ, और ये दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ? क्योंकि हम ही शाहजहां हैं। मुझे क्या लगता है, हम डर गए भाग। अरे तुम लोग को पता है, कल बलराज के साथ धोखा हो गया है। उसने ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, लेकिन उन्होंने मोबाइल की जगह चप्पल भेज दिया। कल हमने देखा, चप्पल से सेल्फी ले रहा था। यार तब तो लोग कंफ्यूज होंगे ना कि चप्पल जूते की फोटो ले रही है, जूता चप्पल की। यहाँ तुम लोगों को अपने ऑनलाइन धोखे की पड़ी है, और वहाँ पारितोष को शादी में धोखा हुआ है। अरे उसको धोखा नहीं, पिटाई बोलते हैं। शादी में दूल्हे को लड़की बेवफा होती है, ऐसी शायरी सुनाएगा तो पिटाई खाएगा ना वो। अरे नहीं, सच में धोखा हुआ है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। पारितोष एज दूल्हा, अनीता एज साली, एंड ओजस्वी एज वाइफ। माय सेल्फ बबलू, मिजाज से शायर और हरकत से छिछोरे हैं। लग भी रहे हो। अर्ज किया है, फटे दूध की दही जमा गया, और हम ढूंढ रहे हैं उस हलवाई को जिसने रसगुल्ले का रस निचोड़ा और बस गुल्ला गुल्ला थमा गया। चलता हुआ सुहागरात छोड़ के आया हूं मैं। वैसे चल रहा होता तो छोड़ के थोड़ी आता। बहुत ज्यादा धोखा हुआ है हमारे साथ। परसों हमारे चाचा के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हुआ। उनको एक लड़की ने फोन किया, बोले आजा गुफाओं में आजा। चाचा चले गए, गुफा में लड़की थी नहीं, वहां बंदर था। कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन उसने चाचा को ऐसी जगह काटा, उसको अदरक का स्वाद पता चल गया है। और चाचा से बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ है। क्या? मोहब्बत की राह का सबसे बड़ा अभागा हूँ, इश्क के चक्कर में कल रात से जागा हूँ, और घोड़ी चढ़ के गया था जिस हसीना के लिए, उसी के मुंह पे लात मार के भागा हूँ। इतना धोखा किया हमारे ससुराल वालों ने, हमको फोटो दिखाया किसी और लड़की का और शादी कर दी किसी और से। तो हम अपने ससुराल आए हैं, या तो फोटो वाली लड़की लेके जाएंगे, नहीं तो इसको भी फोटो में टंगवा के मानेंगे। जीजू, यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो आपकी सुहागरात है ना, क्या हुआ, दीदी ने घास नहीं डाली? इनकी बहन का भैंस जैसा मुंह है, घास उनसे बचे तब तो हमको डालेंगी। अरे रे बिचारी, कहाँ से भैंस लगती है? एक मिनट, हमको फालतू भैंस में नहीं पड़ना है। हमको वो लड़की चाहिए जिसने चाय पिलाई थी। मैंने तो बस चाय दी थी, बनाई उस गंगू ने थी मेरी नौकरानी, उससे शादी कर लो, वैसे ही कल ही उसकी आठवीं शादी टूटी है। आठवीं शादी टूटी है? वो क्या चाय में अदरक जब पति कूट कूट डालती है क्या? सुनो गंगू, जाए अपना तेल लेने, तुम चलो हमारे साथ। देखो शोकेस में जो दिखाते हैं वो कभी देते हैं क्या? पर ग्राहक को इतना तो आइडिया होता है ना, जो शोरूम में दिखा रहे हैं गोदाम में वैसा ही कुछ होगा। तो वैसा ही तो है, 19-20 तो चलता है ना? 19-20 चलता है, 3.5 और 1.5 लाख नहीं चलता है। सोहेल भाई, 3.5 नंबर के चप्पल जैसा मुंह है इसकी बहन का, जिसको देख के मुंह से 1.5 लाख गाली निकलती है। मतलब मेरे साथ पता है क्या हुआ है, हमको मटर बोल के गटर दे दिया है, वो भी खुले ढक्कन का। आपने ऐश्वर्या राय की वो क्रीम वाली एड देखी है? हाँ हाँ हाँ। तो क्रीम के साथ ऐश्वर्या थोड़ी ना मिलती है। एक बार बताओ, आपने वो सलमान भाई की चप्पल वाली एड देखी है? देखिए, वही चप्पल मारूंगा तेरे खानदान पे। चप्पल तो यहाँ नहीं है। चप्पल नहीं है? नहीं।
नॉट अ बिग डील। झाड़ू? हाँ हाँ। वो भी हमने छुपा लिया है। वो क्या है ना, आपके जैसे तीन चार जीजू आए थे ना गुस्से में, इसलिए छुपा दिया। तीन चार जीजू और आए थे? मतलब हमको जो कट पीस दिया है उसका पूरा थान इसके घर में है। अरे देखिए आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या कमी है हमारी बहन में? क्या कमी है? सुहाग रात में आधा गिलास दूध लेके आई थी। गुस्सा ये नहीं लगा हमको कि आधा गिलास दूध लेके आई, जिस तरह से लेके आई वो बुरा था। मम्मी के सामने गई और पापा का पैर छू लिया। पापा मेरे बोले, बेटा बहू लाए हो या ऑफिस स्पिनर? ऐसा कह रहे हो, बिचारी का पाँव खिलौने पे पड़ गया था। ओ खिलौने ने पाँव तोड़ दिया? नहीं नहीं, जिसके खिलौने पे पड़ा था उसके बाप ने इसका पैर तोड़ दिया। कहने वाली थी, हमको लगा इसका पांव खराब है, इसका तो पूरा गांव खराब है। She is totally not working for me. तो तुम दादी कल के पलट नहीं सकते हो? पलटने का हमको आइडिया मत दो, मुक्का मार के मुंह पलट देंगे पीठ के तरफ। फिर पता नहीं चलेगा आ रही हो कि जा रही हो। खबरदार, अपने मुंह से एक थप्पड़ भी निकाला तो बेटा हम खून की नदी बहा देंगे। क्यों इसे परेशान कर रहे हो? और तू क्यों बोली? क्यों बोली? इसकी इसकी शक्ल तो देखो, बेचारी गाय है गाय। तो किसी और खूंटे से बांधो, हमारी जिंदगी में गोबर क्यों करा रही हो? याद रखो कि ततुराल में दाती तो लड़की की डोली है लेकिन आती उसकी लात है। अरे एक मिनट, हमारे टीम की तुषार कपूर, हमारी जिंदगी पहले से गोलमाल हुई पड़ी है। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम ना मेरी दीदी को कभी समझ ही नहीं पाओगे। इनको मैं क्या, इनको नासा वाले नहीं समझ पाएंगे। इसका मुंह अगर नासा वालों को दिखा दूं तो इस पे रिसर्च करेंगे कि जब मुंह में ऊपर वाले ने सड़क नहीं बनाई है तो स्पीड ब्रेकर क्यों बना रखा है। जब ये टीवी इतना खराब था तो किसी कबाड़ी वाले को दे देते ना। तो वही तो किया ना, दे दिया ना कबाड़े वाले को। एक मिनट सुनो, तुम हमारे साथ चलो। अरे मैं नहीं चल सकती, हमारी तीन और बहनें हैं ना, उनकी भी तो शादी करानी है। जब पहले पन्ने पे ही स्याही फैल गई तो इतना प्रिंट आउट निकालने की क्या जरूरत थी? इनका मैं प्रिंटर तोड़ूंगा। देखो देखो देखो, तुम तब नहीं ले, एक बार शादी हो गई तो हो गई। एक मिनट, हाथ दिखाओ, इसमें मेरे नाम की मेहंदी लगाओ और चलो। ठीक है चलूंगी, पर मेरे साथ मेरे पति और बच्चे भी चलेंगे। एक मिनट, तुम्हारी शादी हो चुकी है? कौन है तुम्हारा पति? मैं इतने पहले मिली हुई थी, और वो तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, तभी तो मेरी बहन ने मुझसे पहले ही उससे शादी कर ली। अच्छा, दोनों प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है भाई, तो हम कहीं पीजी ढूंढ लेंगे। एक मिनट, क्या ढूंढ रहे हो? झाड़ू? नहीं, चक्कू। आज पता चला है दुनिया कितनी पापी है। इस गलती की कहां कोई माफी है? सुहागरात के सेज तक पहुंच के भी कुछ नहीं हुआ, इतनी सी बात मरने के लिए काफी है। कच थैंक यू सो मच इंडिया। आई होप आपको ये कॉमेडी मैराथन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंडिया, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस।